ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक ट्रेन हादसे में अब तक 280 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तीन ट्रेनों के टकराने की इस भीषण दुर्घटना ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे पर हर पल नई अपडेट आ रही है, लेकिन जो सवाल सबके जहन में है वो ये है कि आखिर तीन ट्रेनें एक साथ कैसे टकरा गई, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। रेलवे सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। रेलवे के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि ये दुर्घटना सिस्टम कोलैप्स का नतीजा है। ये दुर्घटना इतनी भयावह नहीं होती अगर सिस्टम काम करता। रेलवे सूत्रों का कहना है कि कोलकाता के शालीमार से 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस तय समय पर चल रही थी। सांतरागाछी में ट्रेन 4 मिनट की देरी से पहुंची, वही खड़गपुर में भी ट्रेन अपने तय समय से 3 मिनट की देरी से चल रही थी। उसके बाद ड्राइवर सतर्क होकर ट्रेन की स्पीड मेंटेन करके चलने लगा। ट्रेन ओडिशा में प्रवेश कर चुकी थी। बालासोर में भी ट्रेन अपने नियत समय पर पहुंची थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां से करीब 25 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि बहनागा बाजार की एंट्री पर स्थित पॉइंट्स पर कुछ दिक्कतें हुई। इसके बाद ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए। यूं तो दुर्घटना की वजह का अभी तक रेलवे ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन रेलवे के सूत्र बताते हैं कि इस कोरोमंडल एक्सप्रेस की किसी मालगाड़ी से कोई टक्कर नहीं हुई। उन्होंने जो अंदाजा लगाया वो ये है कि ट्रेन के कुछ डब्बे बहनागा बाजार के एंट्री पॉइंट पर डीरेल हुए होंगे। उस समय ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही होगी। ऐसे में पटरी से डब्बे उतरने पर भी उनका 400 से 500 मीटर तक बढ़ते जाना आम बात है। इस बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डब्बे लूप लाइन और दूसरी मेन लाइन पर आ गए। उसी समय बगल के लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी, उसी मालगाड़ी पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे चढ़ गए। जिस समय ये हादसा हुआ उसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंची। उसी समय वहां से 12,864 हावड़ा बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजरने वाली थी, और दुर्भाग्य देखिए कि ये ट्रेन 3 घंटे से भी ज्यादा लेट चल रही थी। ये ट्रेन बहनागा बाजार स्टेशन पर नहीं रुकती थी, इसलिए इसे थ्रू सिग्नल मिला हुआ था, और फिर ये ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई डीरेल हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस से भिड़ गई। इस ट्रेन के एक तरफ डीरेल कोरोमंडल एक्सप्रेस तो दूसरी तरफ लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी, यानी इस ट्रेन के डब्बे दोनों ट्रेनों के बीच से टकराते हुए गुजरे। इस वजह से ये हादसा भयानक हो गया। दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों की भिड़ंत में ट्रेनों की करीब 17 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में अब तक 280 से अधिक लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि हादसे में 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगली अपडेट के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।